परी कथाएं। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने मनोरंजन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। टॉम थंब। कई साल पहले रहता था एक गरीब आदमी और महिला जिनके कोई बच्चे नहीं थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनका कोई बच्चा हो। एक शाम घर के आंगन में बैठे दोनों आसमान की ओर देख रहे थे, जब उन्होंने एक टूटते हुए तारे को देखा। सुनिए जी, क्या आपने उस टूटते हुए तारे को देखा? चलो हम उससे बच्चे के लिए मांगते हैं, कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, एक बच्चा तो होना चाहिए ना। ठीक है मेरी प्यारी। तो दोनों ने इस इच्छा के लिए प्रार्थना किया, गर्मा गर्म सूप पिया और फिर सोने चले गए। ठीक 7 महीने बीत गए और उनकी इच्छा पूरी हो गई। एक छोटा सा बेटा जो एक अंगूठे जितना ही था पैदा हो गया। उसको टॉम थंब का नाम दिया और उससे बहुत प्यार किया। लड़का बड़ा होकर बुद्धिमान बन गया, पर उसका शरीर छोटा ही रहा, तो उसके माँ बाप ने उसको बहुत ही ध्यान से रखा था। एक दिन टॉम ने अपने पिता से कहा, डैडी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और काम में बाकी के बच्चों की तरह मदद भी कर सकता हूँ। जब आप काम करने जाओगे तो मुझे घोड़ा चलाने दो, मैं उसके कान के पास बैठकर उसको सही दिशा बोल सकता हूँ। डैडी प्लीज, मैं कर सकता हूँ। पिताजी ने सोचा कि टॉम एक होशियार लड़का है तो वो कुछ भी कर लेगा। टॉम घोड़े के कान के पास बैठ गया और उसको रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात दो अजनबियों से हुई। दोनों सोचने लगे कि ये घोड़े को रास्ता कौन बोल रहा था, और कई बार घोड़े के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। अंत में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का घोड़े के कान में बैठा हुआ था। हे भगवान! अजनबी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इतना छोटा इंसान कभी नहीं देखा था। तुम्हारे माता पिता किधर है? टॉम थंब ने पीछे की ओर अपने पापा को दिखाया, जो चलकर आ रहे थे। प्रणाम साहेब, हमारे पास आपके लिए खुशखबर है। हम आपको आपके इस बच्चे के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। वह हमारे साथ सर्कस में काम करेगा और हम इससे पैसे कमाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि किसी ने भी आज तक इतना छोटा लड़का नहीं देखा होगा। ओ सुनो तुम लोग, मेरा बेटा कोई जोकर नहीं है और ये बेचने के लिए नहीं है। टॉम के पिता को बहुत गुस्सा आया, पर टॉम अपने पिता के कंधे पर चढ़ा और धीरे से बोला, सुनो डैडी, आपकी उम्र हो रही है और हमेशा के लिए काम नहीं कर पाओगे। मुझे इन लोगों के साथ जाने दो और इनसे जो रकम मिलेगी उससे आप और माँ अच्छे से जी पाओगे। मैं वादा करता हूँ मैं जल्द वापस लौटाऊंगा। अंत में टॉम के पिता ने उसको उन दो आदमियों के साथ जाने की अनुमति दे दी। टॉम एक आदमी की टोपी पर बैठकर चला गया अपने पिता को अलविदा कहते हुए। टॉम के पापा ने भी रोते हुए अपने बेटे को अलविदा कह दिया। आदमी चलते रहे और टॉम टोपी पर बैठे इस नई दुनिया को देख रहा था। जब आदमी खाना खाने के लिए रुके तो टॉम चुपके से टोपी से निकल गया और एक चूहे के बिल में घुस गया। आदमियों ने उसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। टॉम बहुत अंदर घुस गया और जोर से बोला, मेरे बिना ही चले जाओ आप लोग। बाहर निकलो, तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा, तुम अब हमारे हो। मैंने कहा चले जाओ। अंधेरा होने को आ रहा था और आदमियों के पास वहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब आदमी वहाँ से जा चुके थे तब टॉम बाहर निकला और रात बिताने के लिए जगह ढूंढने लगा। रास्ते में उसको एक घोंगे का खोल मिला, जिसके अंदर वह छुपके घुस गया। जब वह सोने ही वाला था तब उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। हम पास्टर साहब के घर की चोरी करेंगे कैसे? टॉम तम को तुरंत समझ में आ गया कि उसको चोरों को भगाना पड़ेगा पास्टर जी के घर को बचाने के लिए।
हेलो दोस्तों। टॉम की आवाज तो सुनाई दी पर वह उनको दिखाई नहीं दिया। ओफो, इधर देखो, मेरी आवाज की ओर आओ तो मैं दिख जाऊंगा। मैं आप लोगों को चोरी करने में मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ ना, और मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। इतने छोटे इंसान को देखकर चोर हैरान रह गए। अगर तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं घर में घुसकर चीजें बाहर निकालूंगा। चोर मान गए और उसको अपने साथ ले गए। पर घर के अंदर घुसते ही टॉम शोर मचाने लगा। हे, धीरे से काम करो। चोरों ने उसको चुप रहने को बोला पर टॉम ने नाटक किया जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तुम लोगों को क्या क्या चाहिए? सब कुछ। टॉम ने इतना शोर मचाया कि घर की नौकरानी जाग गई। ये देखकर चोर भी वहां से भाग निकले। अंत में घास के एक ढेर पर टॉम आराम से सो गया। सुबह सुबह टॉम की नींद गाय की वजह से खुल गई, जो आराम से घास खा रही थी जिसपे टॉम सोया हुआ था। वहां से भागने से पहले ही गाय टॉम को भी खा गई। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं गाय के अंदर फंस गया। टॉम चिल्लाने लगा ताकि उसको कोई सुन ले। उसी समय पास्टर साहब वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि गाय के अंदर से आवाजें आ रही थी तो उनको लगा कि शायद इस गाय को किसी भूत ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने बेचारी गाय को तुरंत मार डाला, जिसमें अभी भी टॉम फंसा पड़ा था। पर टॉम के बाहर निकलने से पहले ही एक भूखा भेड़िया आया और उस पेट को पूरा निगल गया। ओहो भगवान। पर टॉम ने हार नहीं माना। टॉम ने घर वापस जाने की योजना बनाई। उसने कहा, मुझे पास में ही एक घर पता है जहाँ पर बहुत मांस, हड्डियाँ और बहुत सारे स्वादिष्ट चीजें हैं खाने के लिए। टॉम ने भेड़िया को रास्ता बोला और वह उसके घर तक पहुँच गया। भेड़िया रसोई में घुसकर मांस खाने लगा। उसी समय टॉम के पिता बड़ी सी चाकू लिए रसोई में आए। मैं इस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर उसी समय उनको एक आवाज सुनाई दी। डैडी, मैं हूँ टॉम, मैं भेड़िया के पेट में हूँ, आप ध्यान रखें कि मुझे ना मार डाले। टॉम के पिता ने बहुत ही ध्यान से भेड़िया को काटा और टॉम थंब को बाहर निकाल दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा, दुनिया भर की धन दौलत के लिए भी नहीं। मेरा बेटा, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। टॉम को फिर उन्होंने अच्छे से खिलाया पिलाया और पहनने को नए कपड़े भी दे दिए। अंत में सबने साथ साथ खुशी से जीवन बिताया।